रैना आहूजा का गीत फक्त सोमवार को चंडीगढ़ में बड़ी स्क्रीन पर लॉन्च किया गया। हार्दिक स्टूडियो के बैनर तले बने इस गीत को लिखा है भानु आहूजा ने तथा इस गीत का निर्देशन किया है मुनीश कल्याण ने। अजी एक हिंदी गाना है, मेरे ब्रदर ने लिखा है, मैंने गाया है और एक्ट भी मैंने किया है। बहुत ही मेलोडियस गाना है, प्यार पे बेस्ड है, कह सकते हैं ब्रेकअप सॉन्ग है, एक तरह का रोमांटिक ब्रेकअप सॉन्ग है। प्लीज़ इसको देखिए, यूट्यूब पे जाकर, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट कीजिए। फर्स्ट सॉन्ग है आपका? पहले मैंने गाने गाए हैं अपने चैनल पे झकास मिक्स मास्टर जिस उसका नाम है, बट ये फर्स्ट मेरा बहुत ही बड़े लेवल का सॉन्ग है जो हमने ऑफिशियली लॉन्च किया है। शूट कहाँ का किया है? शूट मनाली और कसौली में। और लिखा किसने गाना? मेरे छोटे भाई ने, भानु आहूजा ने। ये मेरी पर्सनल लाइफ से ही इंस्पिरेशन है, लव लाइफ से इंस्पिरेशन है, उन इंसिडेंट्स को लेके हमने गाना उस पर लिखा है। आपके पापा खुद एक सिंगर हैं। हाँ जी। इतना इंस्पिरेशन रहा उनकी तरफ से? बिल्कुल, सारा इंस्पिरेशन उनकी तरफ से ही है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है फादर से ही आया है। इनसे मैं सीखता रहा, इनको देखता रहा, ये कैसे गा रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, तो सारा इंस्पिरेशन इनसे ही है। दिन में मैं ज़्यादा नहीं रियाज़ करता, एक घंटा करता हूँ मैं दिन में रियाज। हाँ जी। तो इसके अलावा कोई और गाना आ रहा है? इससे पहले एक गाना आया था, उसमें मैंने एक्ट किया था, वो फादर साहब ने गाया है मन्नत नूर जी के साथ, जिन्होंने लॉन्ग लाची गाना गाया है, मोहब्बत उसका टाइटल है। इसी चैनल पे अवेलेबल है, हार्दिक स्टूडियोज के। ये गाना मैं सुनाता हूँ आपको। मैं फकत कह रहा हूँ तुझसे, तू आ भी जा, इस भरी महफिल में मेरा कोई नहीं, सांसे बस ले रहा हूँ करके तेरा इंतजार, दिल धड़कने की वरना वजह कोई नहीं। मैं ऑडियो इंजीनियर हूँ मेनली, मेरा एक स्टूडियो है चंडीगढ़ में, तो म्यूजिशियंस के साथ काम कर करके, फादर के साथ काम कर करके, फिर सीखा मैंने पापा से, फिर मैंने कहा मैं गाना करता हूँ। ब्रिजेश जी, आप बहुत टाइम से सिंगिंग कर रहे हो, किस तरह से आपने रियान को कहा कि नहीं तू सिंगिंग कर, या फिर शुरू से ही आपको देखते हुए कहा मैं सिंगिंग? नहीं, एक्चुअली शुरू में बचपन में इसने रखी थी अपनी इच्छा, तो मैंने कहा नहीं बेटे रहने दे, ये बड़ी टफ लाइन है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो अपना जॉब कर लेना और बस आराम से ज़िंदगी बिताना, इसमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, उस वक्त तो ये रुक गया, फिर धीरे धीरे पढ़ाई के बाद इसका इंटरेस्ट साउंड में शुरू हुआ, साउंड इंजीनियरिंग में की इसने डिप्लोमा किया ग्रेजुएशन के बाद, तो हमने स्टूडियो खोल लिया। फिर ये गाता रहता था घर में, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये अच्छा गाने लगा है, फिर स्टूडियो भी मैंने गुवाया इसको ट्रायल के बेस पे, तो अच्छा लगा, तो फिर मैंने थोड़ी इसको ट्रेनिंग दी, तो आज ही आपके साथ। आप खुद ही इसके गुरु हो? हाँ, खुद ही। तो अभी आपको ये जो शिष्य भी है, बेटा भी है, कितना मतलब अलग से मेहनत करनी पड़ी इस पे, क्योंकि बीइंग अ सन थोड़ा सा कई बार कर जाता है कि नहीं यार अभी छोड़ो, मैंने नहीं करना। हाँ, वो सही बात है, एक फादर को फिर एक गुरु का रूप धारण करना पड़ता है ना थोड़ी। हाँ, वो चीज़ें, वो आपने सही कहा, गुरु का करेक्टर अलग होता है, फादर का अलग होता है, वो करना पड़ा मुझे। अभी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? अभी हम एक फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, और अभी फिल्म से पहले एक गाना और आएगा इसका, जिसका टाइटल है रास्ता, अभी उसकी शूटिंग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम एक फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, उसमें इसको एज सिंगर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एज एक्टर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो पिछला गाना रिलीज हुआ है मोहब्बत, वो सुनाता हूँ आपको। हीरिए सानू तेरिया मोहब्बतां दा रंग चढ़िया सोनिए, सानू तेरिया मोहब्बतां दा रंग चढ़िया, ओ दिल तेथों कुर्बान नी मैं छड़िया, जहान तेरा हाथ फड़िया, हाथ फड़िया ओ माही वे। ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।